to you by Howzat. First game free. Download the app now. एलेक्स हेल्स ने आईपीएल 2022 से बाहर रहने का फैसला किया। एलेक्स हेल्स ने इसकी वजह बायो बबल को बताया। उनका कहना है कि वो बायो बबल में अब नहीं रहना चाहते हैं, जिसकी वजह से वो आईपीएल 2022 नहीं खेलेंगे। एलेक्स हेल केकेआर की टीम का हिस्सा थे। केकेआर ने उनकी जगह एरन फिंच को टीम में शामिल किया। वही एरन फिंच जिनकी कप्तानी में, जिनकी अगुवाई में ऑस्ट्रेलिया ने पिछले साल T20 वर्ल्ड कप जीता था। एरन फिंच इस साल आईपीएल में केकेआर की टीम में जुड़े हैं, जिसके साथ ही उन्होंने एक ऐसा रिकॉर्ड बनाया है, ऐसा कारनामा किया है जो वो आईपीएल में करने वाले पहले खिलाड़ी हैं। अब देखते हैं कि केकेआर की टीम से एरन फिंच जुड़े हैं 2022 में। उन्होंने जगह ली है एलेक्स हेल्स की और एलेक्स हेल्स की जगह एरन फिंच टीम में शामिल हुए। अगर देखा जाए एरन फिंच के बारे में तो वो अब तक आईपीएल में 9 टीम से जुड़ चुके हैं, क्योंकि इससे पहले वो 8 टीमों के साथ खेल चुके हैं। लेकिन अब जो उनकी 9वीं टीम होगी वो होगी केकेआर की टीम। और अगर बात करें तो उन्होंने कौन कौन सी टीम के लिए हिस्सा लिया है वो आपको दिखाते हैं। और 9 टीम से जुड़ने वाले वो आईपीएल में पहले खिलाड़ी हैं। तो देखिए, सबसे पहले उनकी टीम थी राजस्थान रॉयल्स, जो 2010 में जब वो टीम का हिस्सा थे। इसके बाद दिल्ली कैपिटल्स में गए, जहां उन्होंने 2011 और 2012 में समय बिताया। 2011-12 में दिल्ली कैपिटल्स की टीम के साथ जुड़े रहे एरन फिंच। उसके बाद पुणे वॉरियर्स, ये टीम 2013 में एरन फिंच उनके साथ थे। उसके बाद सनराइजर्स हैदराबाद, 2014 में सनराइजर्स हैदराबाद के साथ एरन फिंच शामिल थे। मुंबई इंडियंस के साथ एरन फिंच 2015 में थे। इसके बाद बात करते हैं गुजरात लायंस की, जिनके साथ 2016 और 2017 में एरन फिंच जुड़े रहे। पंजाब किंग्स की बात करें तो 2018 में पंजाब किंग्स के साथ एरन फिंच थे। आरसीबी में 2020 में जुड़े एरन फिंच, आपको याद ही होगा यूएई में उनका कुछ प्रदर्शन खास नहीं था और उसके बाद वो ज़्यादा मुकाबले खेले भी नहीं। पिछले साल की बात करें 2021 की, और अब इस साल उन्हें ऑक्शन में किसी टीम ने नहीं खरीदा, तो वो रिप्लेसमेंट के तौर पर अब केकेआर में शामिल हुए हैं। यानी कि केकेआर के लिए वो 2022 में आईपीएल खेलेंगे, उन्हें उनकी टीम में शामिल कर लिया गया है। अब बात करते हैं कि आईपीएल में ऐसी कौन सी टीम बच गई है जिसके लिए एरन फिंच ने हिस्सा नहीं लिया है, क्योंकि 9 टीम के साथ तो अब जुड़ चुके। तो चेन्नई सुपर किंग्स एक ऐसी इकलौती टीम है जो पिछले 8 टीमों की, या उससे पहले जो कोची टस्कर्स या फिर पुणे थी उनमें देखा जाए, इवन गुजरात लायंस और पुणे सुपर जॉइंट्स थी जो, तो उसमें से चेन्नई सुपर किंग्स के साथ है जो फिंच ने अभी तक नहीं खेले हैं। इसके अलावा देखा जाए तो इस साल जो 2 नई टीमें आई है, गुजरात टाइटंस या लखनऊ सुपर जॉइंट्स, इनके साथ तो अभी जुड़े ही नहीं है, क्योंकि इसी सीजन से ये दोनों टीम सामने आई है। अब बात करते हैं कि एरन फिंच का आईपीएल में अब तक का प्रदर्शन कैसा रहा है, किस तरीके का उन्होंने परफॉर्म किया है। तो 87 मैच खेले उन्होंने, 2005 रन बनाए हैं, औसत उनका 25.70 का रहा है और स्ट्राइक रेट 127.70 का। तो एरन फिंच को कलकत्ता ने अपनी टीम में शामिल किया है और ओपनिंग करते हुए वो नजर आएंगे। हालांकि टीम में अजिंक्य रहाणे भी हैं, वेंकटेश अय्यर तो उनके ओपनर हैं। अब देखना दिलचस्प होगा कि एरन फिंच को कितने मुकाबले खेलने को मिलते हैं और वो कैसा परफॉर्म करते हैं। लेकिन इन सब के बावजूद एरन फिंच ने एक ऐसा रिकॉर्ड बनाया है जो किसी खिलाड़ी ने अभी तक अपने नाम ये कारनामा नहीं किया, और वो 9 टीम से जुड़ने वाले आईपीएल के पहले खिलाड़ी बन गए हैं।